किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि खेती में जो स्प्रे होता है, जो आप छिड़काव करते हैं खरपतवार नाशक और कीटनाशक का, इनमें होने वाले खर्चे को कैसे कम कर सकें। कई बार ये देखा जाता है कि कई किसान भाई या तो अपने अनुभव से या दुकानदार की सलाह पर खरपतवार नाशक और कीटनाशक का मिश्रण करके उसको एक साथ डालते हैं फसल पर, लेकिन कभी कभी उनको इसके परिणाम नहीं मिलते। हमारे संस्थान ने इस पर विशेष रूप से अनुसंधान किया है और ये पाया है कि जो खड़ी फसल में डाले जाने वाले खरपतवार नाशक हैं, जैसे इमिडाज़ोलपिर है, क्विज़ालोफ़ाइथाइल है, इनको अगर हम क्लोर एंट्रानिलप्रोल या क्विनालफास या इंडोक्साकार्ब के साथ में मिला के डालें तो खरपतवार तो ख़त्म होंगे ही होंगे और कई प्रकार के कीड़े भी ख़त्म होंगे। ये तीनों कीटनाशक और ये दोनों खरपतवार नाशक का सम्मिश्रण बहुत सही है, और लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो एक कीटनाशक है क्लोर एंट्रानिलप्रोल, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब आप 18 से 20 दिन की फसल पर खड़ी फसल पर डाले जाने वाला खरपतवार नाशक डालते हैं, उसमें क्लोर एंट्रानिलप्रोल डाल देंगे तो अगले 35-40 दिनों तक उसमें किसी भी प्रकार की इल्ली नहीं आएगी, चाहे वो सेमी लूपर हो, चाहे तंबाकू की इल्ली हो, चाहे चने की इल्ली हो, ये कोई इल्लियाँ आपकी फसल को नुकसान नहीं कर पाएंगी। दूसरे कीटनाशक भी असरकारक हैं, जैसे क्विनालफास है, इंडोक्साकार्ब है, इनका भी असर अच्छा होता है, लेकिन इनका असर कुछ दिन तक रहता है, 7 से 10 दिन तक इनका असर रहता है। तो अगर लंबे समय तक आपको इसका प्रभाव चाहिए तो खड़ी फसल में डाले जाने वाले खरपतवार नाशकों के साथ में, जैसे इमिडाज़ोलपिर है या क्विज़ालोफ़ाइथाइल है, उसके साथ में क्लोर एंट्रानिलप्रोल डाल दें तो इसका बहुत अच्छे से लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ किसान भाइयों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये एक जो भ्रांति है क्लोर एंट्रानिलप्रोल को लेके कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर कीटनाशक है और इसके डालने के बाद में दूसरे कीटनाशक असर नहीं करेंगे, तो ये भ्रांति कृपया अपने मन से निकाल दें। अगर आप देखेंगे इसकी पैकिंग जो होती है उस पर हरे रंग का तिकोना बना हुआ है, जो कि स्पष्ट करता है, जो कि एक आपको स्पष्टता के रूप से बताता है कि ये कीटनाशक अधिक जहरीला नहीं है। ये इसका गुण है कि ये लंबे समय तक पौधों में असर रहता है। 18 से 20 दिन की फसल मतलब कि पौधों की बढ़वार की स्थिति है, उस समय पत्तियां भी आती हैं, कलियां भी आती हैं, फूल भी आने का समय होता है 20-22-25 दिन के बाद में, तो जो जो भाग पौधे के नए आते जाते हैं उनमें ये जहर क्लोर एंट्रानिलप्रोल का पहुंचता जाता है, और किसी भी प्रकार की इल्ली अगर इसको खाती है तो वो मर जाती है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो अनुशंसित है कृपया उन्हीं का इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से या कोई जो अवैज्ञानिक रूप से सलाह देता है उसका कृपया पालन न करें और अपनी फसल को खरपतवार और कीड़ों दोनों से बचाएं और खर्चा कम करें। एक ही स्प्रे में दोनों काम हो जाते हैं आपके और दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए खर्चा बहुत कम हो जाता है। तो मुझे आशा है कि किसान भाई इसको अपनाएंगे और इससे ज़रूर फ़ायदा लेंगे। धन्यवाद।